नेक्स्ट जो टेस्ट आ जाता है वो है डायनामिक विजुअल एक्विटी टेस्ट। अब हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं? डायनामिक विजुअल एक्विटी टेस्ट, ठीक है, काफी डिस्टेंस के ऊपर वॉल माउंटेड स्नेलन चार्ट होता है, ठीक है। अब हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब हमने उसके हेड को ऑसिलेट करना है तो उसने जो दूर काफी डिस्टेंस पे होगा वॉल माउंटेड स्नेलन चार्ट, उसकी जो लोएस्ट लाइन है उसको रीड करने की उसने कोशिश करनी है, ठीक है। अगर तो पेशेंट उसको रीड कर सकेगा तो इसका मतलब है कि डायनामिक जो विजुअल एक्विटी है वो उसका नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको नहीं रीड कर पाता जब हम उसके हेड को ऑसिलेट करते हैं और उसको निस्टिग्मस और वर्टिगो सिम्टम्स आने लग पड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि जो डायनेमिक विजुअल एक्विटी टेस्ट है वो उसका पॉजिटिव है, ठीक है। क्या होगा कि इसके अंदर हमने जो वॉल माउंटेड स्नेलन चार्ट है उसको उसने देखना है जब हम उसके हेड को ऑसिलेट्स करेंगे। तो ये बेसिकली होता है डायनामिक विजुअल एक्विटी टेस्ट। देन आ जाता है जो नेक्स्ट टेस्ट रह गया है वो है वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट। वेस्टिबुलर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम टू ऑर्गन्स को टेस्ट करते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल्स को और ऑटोलिथ ऑर्गन्स को हम टेस्ट करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि जो ऑटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं उनके उसके अंदर टू ऑर्गन्स आ जाते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स, इन दोनों को। ठीक है, वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, वेस्टिब्यूल के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम सेमी सर्कुलर कनाल टेस्ट करते हैं एंड ऑटोलिथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कनाल को टेस्ट करने के लिए हम थ्री टेस्ट करते हैं परफॉर्म। कैलोरिक टेस्ट होता है, रोटेशनल चेयर टेस्ट होता है, एंड जो थर्ड टेस्ट आ जाता है वो है इलेक्ट्रो या फिर आ जाता है वीडियो निस्टैग्मोग्राफी। तो ये बेसिकली थ्री टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम सेमी सर्कुलर कनाल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ऑटोलिथ टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? इसके अंदर हम बेसिकली टू टेस्ट करते हैं, ठीक है, सर्वाइकल वैम्प। वैम्प हम किसे कहते हैं? वेस्टिब्यूलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, और इसके अंदर हम ऑक्यूलर वैम्प करते हैं, ठीक है। इसको ना मैं, ठीक है, ऑटोलिथ टेस्ट, इसके अंदर टू टेस्ट आ जाते हैं, सर्वाइकल वैम्प, ठीक है, वेस्टिब्यूलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल कहते हैं इसके, और ऑक्यूलर वैम्प यानी कि ऑक्यूलर वेस्टिब्यूलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, ठीक है, वेस्टिब्यूलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, ठीक है। सर्वाइकल जो वैम्प होता है ना, ये जो टेस्ट होता है ये हम करते हैं सेक्यूल को टेस्ट करने के लिए।
ठीक है। और जो ऑक्यूलर वैम्प टेस्ट होता है ना, इसके इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं यूट्रिकल को टेस्ट करने के लिए। अब हम सर्वाइकल वैम्प को परफॉर्म किस तरह करते हैं? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स को हम प्लेस करते हैं सर्वाइकल रीजन के ऊपर। ठीक है, सर्वाइकल रीजन के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। सर्वाइकल मसल्स कौन से आ जाते हैं? स्टर्नो क्लीडो मैस्टॉइड मसल। ठीक है, इस मसल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना होता है। अब हमने क्या करना होता है कि लाउड नॉइजेस जो होती है ना, ठीक है, लाउड नॉइजेस से हमने स्टिमुलेट करना होता है ईयर को। लाउड नॉइजेस से हम जब स्टिमुलेट करेंगे ईयर को, तो हमने सर्वाइकल जो मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, इसके हमने रिस्पॉन्स को चेक करना होता है। ठीक है, इसके हमने रिस्पॉन्स को चेक करना होता है। तो ये बेसिकली टेस्ट होता है सेक्यूल को टेस्ट करने के लिए। ऑक्यूलर वैम्प के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर भी हमने लो नॉइजेस से स्टिमुलेट करना होता है ईयर को, और हमने जो ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, यानी कि जो ऑक्यूलर मसल इसके अंदर आ जाता है वो होता है इंफीरियर ओब्लीक मसल। ठीक है, जो इंफीरियर ओब्लीक मसल होता है, इंफीरियर ओब्लीक जो मसल होता है, इसके हमने रिस्पॉन्स को चेक करना होता है। ठीक है, और हमने जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए होते हैं वो भी हम इंफीरियर ओब्लीक मसल के ऊपर हमने प्लेस किए होते हैं। ठीक है, हम लाउड नॉइजेस से स्टिमुलेट करेंगे ईयर को, और हमने किसके रिस्पॉन्स को चेक करना है, इंफीरियर ओब्लीक मसल के रिस्पॉन्स को चेक करना है। तो ये बेसिकली टेस्ट होता है यूट्रिकल को टेस्ट करने के लिए। तो जितने भी टेस्ट थे वेस्टिबुलर पैथोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सब टेस्ट को हमने वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनके अंदर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ जो समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंटरवेंशंस को। अल्लाह हाफिज़।